हुए भाजपा की यात्रा है और इसमें लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, बच्चों को जबरदस्ती स्कूल बंद करके उनको यात्रा में शामिल किया जा रहा है। पूरे शासन के और आम मध्य प्रदेश के नागरिकों के जो टैक्स पेयर है उसके पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। पंचायत सचिव और सीएमओ को भोजन की व्यवस्था, माइक और पंडाल लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शासन की सुविधाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। भाई साहब, अभी वर्तमान परिदृश्य में अगर हम बात करें तो अभी कांग्रेस को अभी आप कहाँ देख रहे हैं? मतलब कांग्रेस चुनाव जीतेगी अभी जिस तरीके, और इस बार टिकाऊ माल आएगा, बिकाऊ माल नहीं आएगा। आपने ईवीएम पे सवाल उठाया, बीजेपी का कहना है कि आपको हाथ दिख रही इसलिए सवाल उठाया। मैं तो हाथ से नहीं, जब जीते थे तब भी सवाल उठाता था। बैतूल में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, दिल्ली से आए हैं। उन्होंने बैतूल में एक विधायक आए हैं दिल्ली से, आज उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस और भाजपा के विधायक हमारे संपर्क में हैं और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे मध्य प्रदेश के। अच्छा मजाक है। आज मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को आज बुलाया है भोजन पे, आप क्या कहना चाहेंगे? सारे मंत्री लोग जाके भोजन करें और क्या करेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से अभी एंट्री हुई है पॉलिटिक्स में, मतलब जो संतों की, बाबाओं की लगातार बयान आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? कोई पहली बार हो रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी तो उन्हीं केवल धर्म का हथियार बना के चुनाव लड़ती है। हर चीज़ में हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा उनके पास कुछ होता है। जिस तरीके से अभी एंट्री हो रही है, लगातार जो धर्म के जो संत हैं उनके लगातार बयान आ रहे हैं, तमाम जगह हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र के मसले पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी उनसे पूछिए तो वे किसके पक्ष में हैं, उनसे पूछिए जरा। आपका क्या पक्ष है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? मैं पहली बात ये कहूँगा कि जो संविधान की शपथ लेते हैं पहले उनसे पूछिए वो किसके पक्ष में। धन्यवाद।